भगवा एक ऐसा रंग जिसे शौर्य, त्याग और अग्नि का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि जब कोई शख्स जीवन के तमाम मोह माया से संन्यास लेता है, साधु का जीवन अपनाता है, तो भगवा वस्त्र धारण करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवा रंग हर पल उसे याद दिलाता है कि जिस प्रकार अग्नि में जल जाने से सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसी तरह उसे अपने तमाम बंधनों को पीछे छोड़कर अग्नि पथ पर चलना है। हमारे समाज में साधु संतों को पूजनीय माना जाता है, एक जरिया जो हमें अध्यात्म से परिचित करवाते हैं। यही वजह है कि भारत साधु संतों की तपोभूमि मानी गई है। लेकिन जब उसी तपोभूमि पर उनका अपमान हो, भीड़ द्वारा उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, तब आप क्या कहेंगे? असल में लॉकडाउन 2 के दौरान महाराष्ट्र के पालघर में निहत्थे दो साधुओं समेत 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिन दो साधुओं को भीड़ ने अपना निशाना बनाया, वो जागेश्वरी स्थित हनुमान मंदिर के थे। 70 वर्षीय स्वामी कल्पवृक्ष गिरी और 34 वर्षीय सुशील गिरी मुंबई से सूरत अपने गुरु के अंतिम संस्कार में जा रहे थे। इस बीच जैसे ही पालघर के गढ़चिंचले गांव में उन्होंने कदम रखा, भीड़ द्वारा इन पर हमला हो गया। बचाव में मैदान में तकरीबन 11 पुलिस कर्मी भी उतरे, लेकिन भीड़ के गुस्से के आगे तमाशबीन बने रहे। पालघर में हुई साधुओं की मॉब लिंचिंग से संत समाज भड़का हुआ है। इस मामले की SIT द्वारा जांच की मांग उठाई जा रही है। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए हत्यारों को सीधे फांसी दिए जाने की मांग की जा रही है। समूचा देश इस घटना की निंदा कर रहा है। अखिल भारतीय संत समिति महाराष्ट्र के पालघर जिले में जूना अखाड़े के हमारे दो पूज्य संत और उनके सारथी की जिस प्रकार पुलिस की निगरानी में हत्या हुई है, इसकी घोर भर्त्सना करती है और उच्च स्तरीय जांच की मांगों से भी अलग हट करके हमने गृह मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से एक आग्रह किया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मसला है, क्योंकि जो वीडियो सामने आ रही है उस वीडियो में हम यह कहकर के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वहाँ के आदिवासी वनवासी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने हत्या कर दी है। जिस प्रकार वहाँ पुलिस कर्मियों ने हमारे पूज्य संतों को भूखे भेड़ियों के हवाले किया, यह भी अति निंदनीय है। 4-5 शब्द ऐसे हैं भीड़ के द्वारा बोले जा रहे जो मराठी नहीं बोलते। यह शब्द है बोही था कर थात बैठो, मोर से इलाई हेती, बालोर थेकोर, मोरी थाकिल अर्थात मर गया, बस बस, ये हिंदी का शब्द है। और उसमें ऐसे शब्दों के प्रयोग से ही यह स्पष्ट होता है कि यह बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं के द्वारा किया गया काम है, क्योंकि हमारा कोई भी आदिवासी भगवा कपड़ेधारी पे कभी हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसके रक्त में ही यह नहीं है। ये जिन लोगों ने भी किया है, ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। और कल तक के गिरफ्तारी में 22 बांग्लादेशियों के गिरफ्तार होने का भी सूचना प्राप्त है। अतः भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों से हम मांग करते हैं कि समूचे प्रकरण की और इसमें पुलिस के संलिप्तता की जांच करवा करके इसे NIA अथवा CBI के हवाले करें, क्योंकि ये मसला सामान्य नहीं है। नारायण श्रीहरि। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत की जिस तपोभूमि से संत ज्ञानेश्वर, रामकृष्ण परमहंस, नीम करोली बाबा, स्वामी शिवानंद जैसे संतों ने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण में व्यतीत कर दिया, आज वही तपोभूमि क्या साधु संतों के लिए सुरक्षित है?